जेई मेंस 2024 जो बच्चे सेशन वन के लिए अप्लाई किए हैं उन सब बच्चों को कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपका जो एग्जामिनेशन सिटी अलॉटमेंट है वो स्लिप कब आपको मिलेगा, कैसे उसको डाउनलोड करना है, और एग्ज़ाम का डेट कैसे आपका डिसाइड होगा, और जो बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जेई मेंस का तो वो कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कब करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दी ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता है। तो आप सब बच्चों को नौ वर्ष की शुभकामना, और आप लोग का ये साल काफ़ी अच्छा रहे, आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, क्लास 10, 10, 12 जो CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा ये साल रहे और अच्छे मार्क्स से वो पास करें, और जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये साल काफ़ी लकी रहे। तो ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो पिछली बार आपको 18 जनवरी को अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी आपको डाउनलोड करने के लिए आ गया था, लिंक एक्टिव हो गया था, और आप लोगों को सिंपली एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड करके आप लोग को अपना एग्जामिनेशन सिटी सेंटर आप लोग अपना खुद देख लीजिएगा, और एग्जाम डेट भी आपका उसी पे अपडेट रहेगा। तो सबसे पहले जेई मेंस सेशन वन में जो बच्चे अप्लाई किए हैं उन सबको करना क्या है, तो सबसे पहले आपका एग्जाम सिटी का स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा जो अलॉटमेंट आपको NTA करेगा, देन आफ्टर एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके तो जैसे ही लिंक आपका एक्टिवेट होगा तो आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको सिंपली NTA के वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही आप अपना अलॉटमेंट ऑफ सेंटर सिटी डाउनलोड कीजिएगा तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, और आपको इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जो भी आपका आपने अपडेट किया है वो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया रहेगा और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे अपडेट रहेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे और अपना अपडेट करके रखेंगे, क्लियर। तो इस तरह से आपको अपना एग्जाम सिटी डाउनलोड करना है। अब बात आती है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको NTA के वेबसाइट पे जाना है, जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस तरह का आपको पेज खुलेगा। देन आफ्टर आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड सेशन वन का लिंक यहाँ पे दिया रहेगा, एक्टिव रहेगा, आप लोग को वहाँ पे क्लिक करके सिंपली ओपन करना है। जैसे ही आप अपना लिंक ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा रहेगा, सेशन वन जेई मेन 2024 आ जाएगा, और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एज ए पासवर्ड सेलेक्ट करके सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट करके आपको डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड। जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड पे आपका यहाँ फोटो रहेगा, ओके, यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, और आपका यहाँ पे रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर कैटेगरी दिया रहेगा, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह दिया रहेगा। यहाँ पे आपको पेपर ऑफ मीडियम रहेगा, आप अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हिंदी में, पेपर क्या रहेगा, BE BTech जो आप अप्लाई किए हैं या फिर भी आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे लिखा रहेगा, और आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, और रिपोर्टिंग, एंट्री टाइम सब यहाँ पे अपडेट रहेगा। तो आप लोगों को बिल्कुल केयरफुली इसको स्टडी कर लेना है, ओके, कितने बजे से आपको जाना है, टाइमिंग ऑफ टेस्ट इतने बजे से होगा, और यहाँ पे टेस्ट सेंटर नंबर लिखा रहेगा, और आपका वेन्यू एड्रेस यहाँ लिखा रहेगा, ओके फ्रेंड। तो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस कंफर्म कर लेंगे, और हो सके तो आप थोड़ा पहले जाके अपने सेंटर पे मूव कर लीजिएगा कि आप कितना दूर है, ओके। तो इस तरह से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ये भी वही फॉर्मेट है, इस तरह से आपको एडमिट कार्ड केयरफुली स्टडी करना है, ओके। तो ये आपका एडमिट कार्ड का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। अब बात आती है कि आप लोग को एडमिट कार्ड कब कब डाउनलोड करना है। तो इस बार आपको अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर सिटी, आपको मैं डेट बता दे रहा हूं, तो इस बार आपको अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर सिटी आपको अप्रोक्सीमेटली 18 जनवरी या फिर 19 जनवरी को श्योर आ जाएगा, क्लियर। अब बात आती है कि आप सब बच्चों का जो आपको एग्जाम का डेट अलॉटमेंट हो गया तो एग्जाम के डेट के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड भी आएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपका मान लेते हैं एग्जाम 24 जनवरी को है, ओके 24 जनवरी को है, तो उनका एडमिट कार्ड 21 जनवरी को आ जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम 25 जनवरी को है और ये आपको डेट अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर सिटी में लिखा रहेगा तो उनका 22 जनवरी को आएगा, और जिन बच्चे का 27 को है उनका 24 जनवरी को आएगा, जिनका 28 जनवरी को है उसका 25 जनवरी को आएगा, जिनका 29 जनवरी को है उनका 26 जनवरी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव हो जाएगा, जिनका 30 तारीख को है उनका 27 को, और जिनका 31 तारीख को है उनको 28 तारीख को, एंड लास्ट जिसका 1 फरवरी को है उनका 29 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स का है, आपको फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 बजे तक होगा, सेकेंड शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 PM तक होगा, ओके। जो आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करेंगे, कलरफुल प्रिंट आउट करेंगे, वो सही तरीके से आपको लेके जाना है, और आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, पैन ही हो गया या फिर आधार हो गया या फिर DL हो गया जिसमें फोटो आपका सही हो, उसको लेके जाना है, या फिर जो बच्चे स्कूल से हैं तो स्कूल का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं, आईडी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट प्रूफ है उसको लेके जाना है। इस बार आप सबको पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड बच्चे अप्लाई किए हैं सेशन 1 के लिए, यानी अप्रॉक्स 12.3 लाख, यानी 12.3 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, ओके। यानी 2023 में आपका 3.7 लाख बच्चे ज़्यादा इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए हैं, रिकॉर्ड इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ है JEE मेन सेशन 1 का। तो आप लोग परेशान मत होइए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 2 से 3 लाख होते हैं, इसलिए आप लोगों को जो भी कंपटीशन है ऑलवेज 2 से 3 लाख के बीच में ही होगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि इस बार ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और जो भी लास्ट टाइम में भी आपको फॉर्मूला वगैरह याद करके जाना है और प्रैक्टिस करना है, और PYQ लगा लीजिएगा आप, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज है पढ़ने का वो आप कंप्लीट करके जाइएगा। एटलीस्ट आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आपको अपना 100% एग्ज़ाम में देना है, ओके। इससे क्या होगा कि आपको अप्रैल सेशन के लिए भी आपको एक तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप जो यहाँ पे गलती करेंगे तो उनको अप्रैल में आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन आपको आता है उसी को अटेंड कीजिए और देखिए कि आपका टाइम कितना लग रहा है, ओके, ताकि ये अप्रैल में काम आएगा। और जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए तो ऑल द बेस्ट, उनके लिए कोई बात नहीं है, वो जनवरी में ही अच्छा परसेंटाइल लेके आ जाए। आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, परसेंटाइल डिक्लेयर हो जाएगा, तो काउंसलिंग की टाइम यानी 12 जून को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जोसा काउंसलिंग। तो जो बच्चे को काउंसलिंग करवाना है तो हमारे थ्रू हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी काउंसलिंग करवाने में, और आपको मिनिमम कम से कम परसेंटाइल में आपको बेस्ट कॉलेज एंड विथ बेस्ट ब्रांच आपको हम लोग दिलवाएंगे। और कैसे आपको जो 6 राउंड काउंसलिंग होगा जोसा का और उसके बाद से CSAT का, उस सब को हम लोग 1x1 करके आप लोगों को काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप है ये ज्वाइन कर लीजिए, नंबर है, और ये KKP क्लासेस है टेलीग्राम चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहे, और KKP4PC.in है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, कॉल करेगी कोई भी डाउट होगा तो ये सब करके आप रखिए, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी या फिर आप लोग हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आई थिंक इस तरह से आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और ये प्रोसेस है, तो जो फर्स्ट टाइम JEE मेंस का अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप लोग प्लीज़ इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम में, और जिन बच्चों का परेशान मत होइए, ऑल द बेस्ट। जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ये राइट साइड में आपके राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक बाबा एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।